हेलो फ्रेंड्स, मैं जीताड़िया वेलकम यू ऑल टू जीत एकेडमी वंस अगेन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 10 एंड दिस इज आवर थर्ड लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि कैसे जो एसिड और बेस है पेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करता है और क्या बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये हाइड्रोजन मेटल्स कार्बोनेट के साथ या तो सिर्फ मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है एसिड हमारा और क्या फॉर्म करता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक है, व्हाट डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो हाउ कैसे ये रिएक्ट करता है और क्या फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए समझने के लिए हम लोग एक्टिविटी 2.6 को पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डायलूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें 2 ml आप डायलूट NaOH सॉल्यूशन को मिलाते हो, उसके बाद ऐड करते हैं 2 drops ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। तो जैसा कि फिनोल्फथलीन के बारे हम लोग जानते हैं, एक इंडिकेटर्स होता है ये, तो इसको हम लोग उसमें NaOH में मिलाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और देखते हैं कि सॉल्यूशन का क्या कलर चेंज होता है या नहीं होता है। उसके बाद फिर बोल रहा है थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो ऐड डायल्यूट HCl सॉल्यूशंस टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब जो सॉल्यूशन था NaOH सॉल्यूशन में जो हम लोग फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन मिला दिए थे, तो इस पूरे सॉल्यूशन में हम लोग अब ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को। ठीक है, इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं कि क्या कोई कलर चेंजेज हुआ इस मिक्सचर में। नेक्स्ट है आपका, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे क्यों आपका जो फिनोल्फथलीन का कलर जो था चेंज हो गया है जब एसिड को ऐड किए हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो आपका थर्ड लास्ट पॉइंट जो बता रहा है, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर्स। इसमें लोग NaOH को ऐड कर रहे हैं, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथलीन रीअपियर्स, तो ये क्या जो पिंक कलर है फिनोल्फथलीन का ये रीअपियर होता है। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, और आप क्यों सोचते हो आप ऐसा हुआ, तो ये एक्टिविटी समझ में आ रहा है। इसके बाद देखते हैं इसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलीफाइड बाय एंड एसिड एंड वाइस वर्सा, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH HCl और बनता है आपका NaCl और H2O। जैसा कि देख रहे थे NaOH का में अगर हम लोग मिला रहे थे आपका ये फिनोल्फथलीन सॉल्यूशंस तो उसका कुछ कलर चेंज हो जाता था, फिर से हम उसमें HCl ऐड कर रहे थे तो फिर से कलर चेंज हो रहा था, और फिर से उसके बाद फिर से आप NaOH उसमें ऐड कर रहे थे तो उसका कलर रीअपियर हो रहा था। ठीक है, तो ये नलिफिकेशन करने के लिए उसको, मतलब कि उसका अमाउंट को, जैसे पहले बेस का जो अमाउंट था उसको कम करने के लिए एसिड मिलाया गया, ठीक है, फिर एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए फिर से बेस मिलाया गया, तो ये नलीफाई किया जा रहा था। ठीक है, तो इसमें इस रिएक्शन में आप देख सकते हो NaOH जो है आपका रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। आगे है क्या कि दिस रिएक्शंस बिटवीन द रिएक्शंस बिटवीन एंड एसिड एंड अ बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो आपको साल्ट का फॉर्मेशन करता है, इस तरह के रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आया कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे है रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है ना, तो क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो एक्टिविटी 2.7 आप देखते हो,
इसमें लिखा हुआ है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग। अब क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेना है एक बीकर में और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है और स्लोली स्लोली उसको स्टीयर हिलाते रहना है, उसको मिक्स करना है, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, और सॉल्यूशन का कलर नोट करना है क्या होता है। उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ से तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। तो आप नोटिस करोगे कि जो सोल्यूशन था उसका जो सोल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू ग्रीन हो गया है और कॉपर ऑक्साइड पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो गया, ठीक है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो ये किसके कारण हुआ है, ये कॉपर सेकेंड के फॉर्मेशन कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण इसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया है। द रिएक्शन द जनरल रिएक्शंस बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज। तो उसको आप लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यानी कि मेटल ऑक्साइड को जब रिएक्शन करवाते हो आप एसिड के साथ तो आपका फॉर्मेशन क्या होता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि व्हाट विल हैपन व्हेन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। उसके बाद है यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशंस फॉर द एबव रिएक्शन सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शंस ऑफ बेस विथ एन एसिड और मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये वैसा ही था जैसे मेटल के हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, जो आप एसिड बेस का रिएक्शन करवा रहे थे तो जो फॉर्मेशन हो रहा था साल्ट और वाटर का वैसा ही सिमिलर है। तो आप मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हो क्योंकि ये साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद है एक लास्ट पॉइंट जैसे दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है तो क्या बन रहा है। यू शो द रिएक्शंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जिसको बोलते हो इन एक्टिविटी 2.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शंस बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर रिएक्शन करवाते हो बेस के साथ तो फिर से साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है और ये सिमिलर है एसिड और बेस का रिएक्शन के जैसा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो आपका एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, ओके। तो ये रही बात, अब इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं क्योंकि इसका जो आपका पीडीएफ फॉर्म में आंसर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले इसको हम समझा देते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड एंड शॉर्ट सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो ब्रास एंड कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं हम लोग कर्ड और सॉर्ट सब्सटेंसेस को रखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो मेटल के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाता है, तो एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो आपका साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो कुछ ऐसा ही कारण रहा होगा जिसके कारण हम इसमें नहीं रखते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड React with a metal, illustrate with an example, how will you test for the presence of this gas? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सा गैस लिबरेट होता है जब हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ। तो ये तो सबको नोन है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरविशेंस, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ
burning candles. Write a balanced chemical equation for the reactions if one of the compound form it calcium chloride. तो इसका आप दिमाग लगाकर क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है? इसको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आंसर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, ठीक है? और आज के लिए इतना ही रखते हैं.